दो स्टैचूज हैं बहुत बड़े बड़े बुद्धा के यहाँ पे, और यहाँ पे हजारों मॉन्क्स रहा करते थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर बकायदा अपनी, हम लोग एक शेयरिंग टैक्सी में हैं और हमारे पीछे औरतें बैठी हैं यहाँ की लोकल, उनको अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अफगानी नहीं लगते हैं, बिकॉज मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ इस जगह की। ये शाह मामा फीमेल स्टैचू था बुद्धा का, जो कि अब तोड़ दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि तालिबानों ने तोड़ा है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हम लोग आज जा रहे हैं बामियान, और इस वक्त हम लोग हैं बामियान अड्डा पे। काबुल में हम लोग एक दिन स्टे किया, आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, काफ़ी मज़ेदार व्लॉग था शाम होटल का। भाई मज़ा आ गया वहाँ जाके, क्या ही मेहमान नवाजी थी, क्या जगह थी, क्या ही खान पान था, सब कुछ ए टू जेड बहुत ही बढ़िया था। नई वीडियो चेक की तो पिछली वीडियो एक बार चेक कर लेना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, इस वक्त हम लोग बामियान अड्डा पे हैं, 350 पर हेड में हमें यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी मिल गई है। यहाँ से हम लोग जाएंगे बामियान, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, हिस्टोरिकल जगह है। वहाँ पे बुद्धिज़्म और चाइनीज़ और इंडियन इन्फ्लुएंस रहा है। एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो तो आपको वहाँ जाके बताऊँगा, और क्यों फेमस है वो भी आपको वहाँ जाके बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं बामियान। तो दोस्तों हम लोग रवाना हो चुके हैं बामियान के लिए, और आसपास के नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। मुझे कहीं मौका मिलेगा तो मैं आपको उतर के भी दिखाऊंगा, और फिलहाल हम लोग एक शेयरिंग टैक्सी में हैं और हमारे पीछे औरतें बैठी हैं यहाँ की लोकल, और वैसे तो रोज़े चल रहे हैं लेकिन उन्होंने हमसे सामने से पहली बार ऐसा हुआ कि बात भी की, और खाने के लिए भी कुछ ऑफर किया, बुलानी जो कि यहाँ का स्नैक है, फेमस स्नैक है। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, और फिलहाल जो बामियान है 3 से 3.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद आपको बताऊंगा कि क्यों फेमस है और क्या क्या स्पॉट्स हैं यहाँ पे देखने वाले, और क्या हिस्ट्री है वो भी आपको बताऊंगा, और जितने भी डिटेल्स हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्या खर्चा आ रहा है, वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको प्रॉपरली वीडियोज़ के माध्यम से बता रहा हूँ। तो अगर आपने कभी भी अफगानिस्तान आने का मौका मिले तो मेक श्योर कि आप सारी वीडियोज़ अच्छे से देखें, और पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो भी देख लें। अफगानिस्तान प्लेलिस्ट पर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो दोस्तों फाइनली वी हैव अराइव्ड इन बामियान। जी हाँ, हम लोग बामियान पहुंच चुके हैं। रास्ते में यार क्या ब्यूटी थी, क्या नज़ारे थे, खूबसूरत वादियाँ थी और बर्फ़ से ढके पहाड़ थे। और फर्स्ट इम्प्रेशंस की बात करूँ, बामियान ऐसा लग रहा है यार मैं ना 18वीं सेंचुरी में आ गया हूँ। पुराने मिट्टी से बने हुए घर, वैसी सड़कें, बिल्कुल ट्रेडिशनल अफगानी कह सकते हैं। मतलब मैं क्या ही तारीफ करूँ इस जगह की यार, एकदम से जब हम एंटर हुए ना यहाँ पे, मज़ेदार जगहें थी। और एंटर करने से बिल्कुल कुछ 1-1.5 किलोमीटर पहले ना यहाँ पे एक अलग ही पहाड़ों की लाइन थी पूरी, ऐसे पे पहाड़ मैंने रंग बिरंगे पहाड़ स्पीति में देखे थे। यहाँ पे बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल भाई, कहीं लाल पहाड़ हैं, कभी ब्राउन है डार्क चॉकलेट, कहीं पे हरे हरे हल्के हल्के पीले, यार वो अलग ही नज़ारे थे कुछ। तो थोड़े थोड़े आपको शॉर्ट्स दिखाए मैंने। तो अभी फ़िलहाल बामियान होटल वगैरह हमने चेक इन कर लिया। तो फाइनली दोस्तों ये हमने रूम ले लिया यहाँ पे, और आज हम ट्रेडिशनल तरीके से अफगानी स्टाइल में यहाँ पे सोने वाले हैं। और ये है पैसेंजर ऑफ शेरोम, पैसेंजर ऑफ शेरोम है होटल का नाम है। यहाँ पे LCD वगैरह लगा हुआ है और वाईफाई वगैरह इंक्लूडेड है, एंड यहाँ से थोड़ा सा व्यू वगैरह भी है पूरे शहर का कह सकते हैं, सामने पहाड़ वगैरह भी दिख रहे हैं, बाकी ब्लैंकेट्स वगैरह भी है, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है, सिंपल सा है वॉशरूम, ठीक है। तो बाकी ठीक है, इसके रूम के हमने दिए 600 रुपये। फिलहाल हम यहाँ पे लोकल बाजार में जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिकल साइट पे जहाँ पे बुद्धा के कार्व्ड स्टैचूज थे माउंटेन के अंदर। फिलहाल वो तोड़ दिए गए हैं, क्यों तोड़ दिए गए हैं उस साइट पे जाके उस जगह के बारे में आपको बताऊंगा। ये जगह चेक करो यार, इंतहाई खूबसूरत है ये सड़क, सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, और सामने ना पहाड़ जो दिख रहे हैं उसके नीचे आप केव्स देख सकते हैं। बाकी हम वहीं पे जा रहे हैं उसकी लोकेशन पर, वहाँ पे जाके आपको थोड़ा और बताऊंगा व्हाई बामियान इज फेमस। तो दोस्तों हम लोग बामियान अभी पहुंचे थे, होटल तलाश रहे थे, और वहाँ पे रास्ते में मुझे चलते चलते मिले ये, इनका नाम है निज़ामुद्दीन, और ये काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं भाई, और इकोनॉमिक्स की है
मास्टर इन इकोनॉमिक्स, और इनका नाम है हुसैन, ही इज ऑल्सो डन हिज मास्टर्स फ्रॉम इंडिया. तो मतलब यार सरप्राइजिंगली मतलब बामिया में मुझे इतने पढ़े लिखे लोग मिले हैं और काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, एंड उर्दू नहीं आती है इनको, इंग्लिश बोलते हैं. सो और इनको अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अफगानी नहीं लगते हैं, बिकॉज मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ इस जगह की. बामियान एक टाइम पे काफ़ी समय पहले यहाँ पे चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, यहाँ से बहुत सारे पिलग्रिम्स आया करते थे. ये उनका एक तीर्थ स्थान हुआ करता था. दो स्टैचूज हैं बहुत बड़े बड़े बुद्धा के यहाँ पे, और यहाँ पे हजारों मॉन्क्स रहा करते थे. उन्होंने पहाड़ों के अंदर बकायदा अपनी गुफाएं बना रखी है, वहाँ पे चैंटिंग करते थे. सो हाँ, हजारा मीन्स द नेम ऑफ वन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ अफगानिस्तान beside the Pashtun, Tajik, Hazara and Uzbek. Here in Bamiyan the people live are Hazara. Hazara. तो tribes हैं basically ये कह रहे हैं. अच्छा तो मैं ये बात कर रहा था कि इनकी look क्यों different है, because वो लोग यहाँ आते थे, वो लोग बस गए थे यहाँ पे, तो obviously वो एक ethnicity का एक mix है, hybrid कह सकते हैं इसको, कि कुछ लोग जापान से, कोरिया से यहाँ पे बस गए, आगे उन्होंने अफगान औरतों से शादी की. और मैं वैसे बताऊं कि मैंने यहाँ पे कुछ औरतों को देखा है, माशाल्लाह निकल रहा था मेरे मुंह से बार बार, दिया इंतहाई खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है. तो चलिए फ़िलहाल अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं. और अभी ऑल्सो निज़ामुद्दीन ने ये भी कहा है कि थोड़ा यहाँ पे शायद बैन कर दिया गया एंट्री फॉर सम रीज़न फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स. सो लेट्स सी इफ़ इट्स ओपन और नॉट. तो देखते हैं, राइट? ओके. तो दोस्तों ये है वो हिस्टोरिकल साइट जिसकी वजह से बामियान फेमस है. अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे जो गड्ढे दिख रहे हैं आपको, मैं थोड़ा क्लोजअप से दिखाता हूँ, ये सारे केव्स हैं, ये सब गुफाएं हैं जहाँ पे मॉन्क्स रहा करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स. और ये जो है ये शाह मामा फीमेल स्टैचू था बुद्धा का, जो कि अब तोड़ दिया गया. कुछ लोग कहते हैं कि तालिबानों ने तोड़ा है गूगल के हिसाब से, और अगर यहाँ के लोकल लोगों की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की साजिश थी, पाकिस्तान ने तोड़वाया. तो कुछ ऐसा सीन है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत है ये सारी जगह. वैसे तो बामियान जो है वो एक हिस्टोरिकल साइट है, हिस्टोरिकल सिटी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लेकिन अंडर डेवलप्ड है, गांव जैसी फीलिंग देती है. काफ़ी यहाँ पे घर ऐसे हैं जो पहाड़ों पे बने, मिट्टी के घर हैं, लेकिन जो जगह है बहुत खूबसूरत. पहला जो मुझे ख्याल आया था ना इसको देख के, लगा था कि मैं पर्शियन एम्पायर में हूँ, अलादीन वाली स्टोरीज में घुस रहा हूँ. फिर मुझे आइडिया आया दूसरा कि मैं 18वीं सेंचुरी में हूँ. मैं क्या ही बताऊँ इस जगह के बारे में यार, हम लोग सिर्फ अभी सुन रहे थे इस जगह के बारे में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा दिस प्लेस इज़ अमेजिंगली ब्यूटिफुल. भाई जान ये पहाड़ देखो यार, माशाल्लाह खूबसूरत है यार. पीछे ऐसे लग रहा है व्हिप्ड क्रीम है और आगे लग रहा है चॉकलेट है यार, कमाल है यार. तो दोस्तों हमने ये वाला बुद्धा का स्टैचू देख लिया, शाह मामा, जो कि एक फीमेल स्टैचू है. अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, जो कि मेल बुद्धा का स्टैचू है, जिसका नाम है सरसला. ये दोनों जो स्टैचूज हैं, 50, एक है 52 मीटर्स और एक है 31 मीटर्स रिस्पेक्टिवली. तो वैसे मैं बात कर रहा था यहाँ के लोगों की, यहाँ की औरतों की. तो यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स आते थे अलग अलग देशों से, थाईलैंड से, चाइना से, जापान से, कोरिया से, कुछ इंडिया से भी. तो वो लोग यहाँ पे क्या है, दूर दूर से आते थे, जैसे हमारे इंडिया में तीर्थ यात्रा होती है वैसा कुछ सिस्टम था. यहाँ पे आके बस गए, तो यहाँ पे आके बस गए तो फिर ऑब्वियसली उन लोगों के पास तो काफ़ी पैसा था, ज़मीनें खरीदी, यहाँ की औरतों से शादी की, बच्चे पैदा किए. और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे ना 50% सबकी शक्लें देख के आप पहचान जाएंगे, यार ये तो एशियन है, टिपिकल एशियन फेसेस, टिपिकल एशियन आइज़ यू कैन से. तो ऐसा कोई सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा मॉडर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, औरतें भी यहाँ पे इंग्लिश बोलती हैं, और थोड़ी हसमुख है. अभी दो तीन पूरे अफगानिस्तान ट्रिप पे ऐसा नहीं हुआ कि लेडीज सामने से आ रही हो तो उनसे कोई बात हुई हो या विश हुई हो. अभी मैं वॉक कर रहा था, दो बड़ी खूबसूरत औरतें आ रही थी, उन्होंने मुझे सलाम वालेकुम विश किया, मैंने भी रिटर्न में अस्सलाम वालेकुम बोला. उसका इंडिया का इन्फ्लुएंस भी है इस जगह के ऊपर, अशोका द ग्रेट, उन्होंने भी रूल किया था इस जगह पे. और भी बहुत सारे राजा थे जिनका साम्राज्य था, रह चुका है इस जगह पे. तो यहाँ पे ना एक छोटा सा भी एक कार्व्ड स्टैचू हमें दिखा है, और यहाँ के लोग वैसे इसको कहते हैं सन ऑफ बुद्धा, बट इसका कोई हिस्ट्री में कोई निशान नहीं है.
लग तो ऐसा ही रहा कि छोटा सा एक स्टैचू सा बना हुआ है, और काफ़ी केव्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ये देखो वहाँ से हम चल के आए हैं, और चल के हम अब इस जगह पे पहुँचे हैं। धूप बहुत तेज़ है तो उसके लिए मज़ा था यार, जगह आपको अच्छे से दिखाऊंगा। अंदर नहीं हम जा सकते क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए, यहाँ के विजिटिंग आवर्स हैं 4 बजे तक, और अभी इस टाइम 5 बज चुके हैं। ये जो टूटी हुई कुछ गेट सा दिख रहा है ना, दीवारें सी दिख रही हैं, ये एक्चुअल में ओल्ड सिटी बाज़ार हुआ करता था यहाँ पे, जो कि अब बिल्कुल तहस नहस हो चुका होगा। ये जो बुद्धा का स्टैचू था इसका नाम था सरसला, जो कि अब सारा तहस नहस हो चुका है। वैसे तो यूनाइटेड नेशंस ने हिदायत दी थी तालिबान हुकूमत को कि इसको रिपेयर किया जाए दोबारा, लेकिन अभी जो है काम रुका हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे केव्स हैं। इस जगह को देख के आप सोचिए यार कि वाकई में यहाँ पे दूर दूर से देशों से लोग आया करते थे वर्शिप करने, मतलब कितनी हिस्टोरिक जगह थी ये, एंशियंट टाइम की जगह है ये, हज़ारों साल पुरानी ये केव्स हैं यहाँ पे, लेकिन अब सिर्फ नाम की रह गई हैं क्योंकि बुद्धा के स्टैचू यहाँ पे टूट गया, तो लोग यहाँ पे क्यों ही आएंगे यहाँ पे अब। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। होपफुली आपको ये जगह काफ़ी पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई, बेहद खूबसूरत और हिस्टोरिकल जगह थी ये बामियां का बुद्धा केव्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप भाइयों का, ठीक है। मिलेंगे आपको जल्दी अगली वीडियो में, अभी बामियां की एक या दो वीडियोस हम और दिखाने वाले हैं आपको, यहाँ के लोकल बाज़ार भी विजिट करनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बस एक दो दिन की और बात है, यहाँ से हम वापस चले जाएंगे इंडिया, और फिर एक नई जर्नी की प्लानिंग शुरू होगी। तो भाई को सपोर्ट करना मत भूलिएगा।